Hello guys, welcome to my channel Great Changer. In this video we will be learning the second chapter of class 9th, A Dog Named Duke, which is written by William D. Ellis. Kafi acha chapter hai friends aur bahut maza aayega ise padhne mein. To start karte hain friends about the dog Duke. Jo ye paragraph hai isme Duke ke bare mein bataya gaya hai. Sabse pehle bata deta hu aapko ki Duke jo hai wo ek dog ka naam hai jiske yahi wo dog hai jiske upar pura chapter based hai. तो ड्यूक उसका नाम है. तो ड्यूक के बारे में बताया है इस पैराग्राफ में, तो अपन रीड करते हैं. ड्यूक वॉज अ रफ प्लेइंग डॉबरमैन पिंशर, 4 ईयर ओल्ड, 23 किलोज. ड्यूक जो था वो एक रफ प्लेइंग डॉबरमैन पिंशर था. जैसे कि अपन जानते हैं कि डॉग्स की अलग अलग ब्रीड आती है. डॉबरमैन है, पमेरिन है, जर्मन शेफर्ड है, सेंट बर्नर्ड है, बहुत तरह तरह की ब्रीड्स आती है. तो वैसे ही ड्यूक जो था वो एक डॉबरमैन पिंशर ब्रीड से था. उसकी एज 4 साल थी और उसका वेट जो था वो 23 किलोज था. हिज कोट वॉज रेड विथ फोन वेस्ट. कोट का मतलब होता है फ्रेंड्स हेयर, एंड उसका जो हेयर उसके जो हेयर्स थे वो रेडिश कलर के थे, रेड कलर के थे. एंड ही हैड अ फोन वेस्ट. फोन का मतलब होता है फ्रेंड्स वेस्ट, मतलब जो उसकी वेस्ट थी उसका कलर कैसा था, डियर की स्किन का कलर था. मतलब डियर की जो स्किन होती है ना उसका जो कलर होता है वैसे कलर की उसकी वेस्ट थी. और उसके हेयर्स कैसे थे, रेड. Chuck Hooper had doubts at first about buying him because his wife Marcy was not really a dog lover. Chuck Hooper भी एक बहुत important character है इस chapter का. Chuck Hooper ही वो बंदा है जिसने ये dog खरीदा था, ठीक है. तो Chuck Hooper को starting में जब उसने dog नहीं खरीदा था तब उसे doubts थे कि क्या उसे dog खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. ये doubts क्यों थे, इसका reason ये था कि Chuck Hooper की जो wife थी Marcy friends वो डॉग लवर नहीं थी, उसे डॉग्स पसंद नहीं थे. डेट्स वाई चक हूपर हैड डाउट्स अबाउट बाइंग द डॉग. ओके, शी इज़ अ टाइनी ब्लॉन्ड. शी कौन है यहाँ पे, मार्सी. तो शी इज़ अ टाइनी ब्लॉन्ड. मार्सी जो है वो टाइनी ब्लॉन्ड है. ब्लॉन्ड का मतलब होता है लेडी विद गोल्डन हेयर्स, मतलब गोल्डन कलर के जो हेयर्स होते हैं उस उन्हें उन लेडीज़ को कहते हैं ब्लॉन्ड, ठीक है. तो मार्सी के गोल्डन हेयर्स थे, शी वॉज अ ब्लॉन्ड. एंड पमेरिन वॉज द आइडिया ऑफ द राइट साइज डॉग फॉर अ कॉलोनियल हाउस ऑन अ स्मॉल प्लॉट. देखिए फ्रेंड्स, मार्सी चाहती थी कि वो पमेरिन ब्रीड का डॉग खरीदे. इस ब्रीड के जो डॉग होते हैं वो छोटी साइज के, मतलब छोटे होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू डॉबरमैन ब्रीड, ठीक है. तो मार्सी चाहती थी कि वो पमेरिन ब्रीड का डॉग खरीदे. और ऐसा वो इसलिए चाहती थी क्योंकि जो उनका घर था वो कॉलोनियल हाउस था और छोटे प्लॉट पर बनाया गया था, मतलब छोटा साइज का घर था उनका. डेट्स वाई मार्सी वॉन्टेड टू बाय पमेरियन. ओके, बड़ा घर नहीं था तो जो ड्यूक था, दिस ड्यूक नीडेड अ हेक्टर. इस ड्यूक को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए थी, एक हेक्टर चाहिए था. मतलब ड्यूक को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए थी और वैसे ही उनका घर छोटा था. इसीलिए मार्सी चाहती थी कि वो पमेरियन ब्रीड का डॉग खरीदें क्योंकि वो डॉग छोटा है तो वो उनका उनका मतलब जो साइज़ रहेगी वो डॉग की उनके घर के हिसाब से कंपेरेटिवली सही रहेगी. ओके, चक विजिटेड ड्यूक एट द कैनल सेवरल टाइम बिफोर ही मेड अप हिज माइंड. चक काफ़ी बार ड्यूक के जो कैनल होता है, कैनल क्या होता है फ्रेंड्स, डॉग हाउस, मतलब जो डॉग्स के घर बने हुए होते हैं अपन देखते हैं उन्हें कहते हैं कैनल. तो चक काफ़ी बार ड्यूक के कैनल पे गया बिफोर ही मेड अप हिज माइंड. मतलब इस लाइन का मतलब है बिफोर ही मेड अप हिज माइंड का मतलब है बिफोर ही टुक द डिसीजन टू बाय ड्यूक. ओके, तो डिसीजन लेने से पहले, ड्यूक को खरीदने के डिसीजन लेने से पहले काफ़ी बार वो कैनल पे गया. तो इस चीज़ से उसका जो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है वो अपन को पता चलता है. आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स ही डिसाइडेड दैट ही हैड टू हैव द बिग डॉबरमैन. वापस 3 महीने बाद, इससे भी अपन को पता चलता है कि चक काफ़ी कन्फ्यूज था स्टार्टिंग में. तो 3 महीने बाद उसने डिसाइड किया कि उसे वो डॉबरमैन खरीदना है. ड्यूक्स अपील फॉर चक वॉज इज रैम्बंक्शियसनेस. इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर मार्सी वॉज मोर देन पोलाइट टू द डॉग. ड्यूक्स अपील, अपील का मतलब यहाँ पे है कि ड्यूक चक को क्यों पसंद था. ड्यूक चक को इसलिए पसंद था क्योंकि जो ड्यूक की रैम्बंक्शियसनेस थी, मतलब रैम्बंक्शियसनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो मतलब उसका एनर्जेटिक बिहेवियर था. जो ड्यूक जो था वो बहुत एनर्जेटिक डॉग था फ्रेंड्स. तो उसका यही एनर्जेटिक बिहेवियर जो था वो चक को बहुत पसंद था. ओके, इसी वजह से ड्यूक जो है चक को काफ़ी पसंद था. इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर मार्सी वाज मोर देन पोलाइट टू द डॉग. मार्सी जो पहले अपन ने देखा यहाँ पे कि मार्सी को डॉग्स पसंद नहीं थे, तो मार्सी को काफ़ी टाइम लगा ड्यूक के साथ पोलाइट होने में. ड्यूक मतलब मार्सी को काफ़ी टाइम बाद ड्यूक जो है पसंद आने लगा. थोड़ा टाइम लगा दोनों को, ड्यूक को जो है मार्सी को पसंद आने में. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट लाइन. इन 1953 हूपर वॉज अ फेवर्ड यंग मैन.
A big genuine grin symbolized his highly competitive nature. Standing 6'1", he had played on the university football team. He was already a hard-charging zone sales manager for a chemical company. Everything was going for him. 1953 की बात है फ्रेंड्स, हूपर जो था, चक हूपर की बात हो रही है यहाँ पे। चक हूपर, चार्ल्स हूपर जो था वो एक फेवर्ड यंग मैन था। फेवर्ड का मतलब होता है पॉपुलर, तो चार्ल्स हूपर, चक हूपर एक पॉपुलर यंग मैन था फ्रेंड्स। और एक बिग जेन्युइन ग्रिन सिविलाइज्ड हिज हाईली कम्पिटिटिव नेचर। जेन्युइन ग्रिन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बिग जेन्युइन ग्रिन का मतलब होता है अ स्माइल, प्रॉपर स्माइल शोइंग योर टिट्स, मतलब जो हंसी जिसमें अपने दांत दिखते हैं पूरा, जो खुल के हंसते हैं उसे मतलब कहते हैं बिग जेन्युइन ग्रिन। तो चक हूपर, जो चक हूपर की जो हंसी थी वो कैसी थी? एक जेन्युइन ग्रिन थी, ठीक है। तो उस जेन्युइन ग्रिन से उसका जो कम्पिटिटिव नेचर था, चक हूपर एक कम्पिटिटिव नेचर का इंसान था, उसका नेचर थोड़ा कम्पिटिटिव था, तो उस जेन्युइन ग्रिन की वजह से चक हूपर जो है सिविलाइज लगता था, सभ्य लगता था, ठीक है। स्टैंडिंग 6'1", उसकी हाइट कितनी थी? 6'1", 6'1", एंड ही हैड प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम। जब वो यूनिवर्सिटी में था तो उसने यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम से खेला था। वो एक ही वॉज ऑलरेडी हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी। देखिए वो जो चक हूपर क्या था, सेल्स मैनेजर था एक केमिकल कंपनी का, वो एक सेल्स मैनेजर था, और एक ऐसे जोन का सेल्स मैनेजर तो था जो बहुत ही हार्ड चार्जिंग था, मतलब बहुत ही डिमांडिंग था, मतलब ऐसा जोन जहाँ पे बहुत सारा काम था, हार्डवर्क था, डिमांडिंग जोन था, वहाँ उस जोन का वो क्या था, सेल्स मैनेजर था। एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम, इस लाइन का मतलब है कि उसके लिए सब सही चल रहा था, एंड ही वॉज सक्सेसफुल, सब उसके लिए सही चल रहा था, ठीक है। देन व्हेन ही वॉज ड्राइविंग होम वन ऑटम ट्वाइलाइट, अ कार पुल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट वार्निंग। हूपर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल विद अ सबड्यूरल हैमरेज इन द मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन, कंप्लीटली पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बार जब वो वापस घर लौट रहा था चार्ल्स हूपर, ऑटम ट्वाइलाइट का टाइम था, मतलब ऑटम का सीजन था, ट्वाइलाइट था, ट्वाइलाइट मतलब जो टाइम होता है सनराइज से पहले उसे कहते हैं ट्वाइलाइट। तो ऑटम ट्वाइलाइट में वो घर लौट रहा था चक हूपर, तब एक कार एकदम से बिना मतलब वार्निंग के जो उसके आगे पुल आगे आ गई, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में उसका क्या हुआ, हूपर का जो है उसकी जो मोटर सेक्शन था, ब्रेन का जो मोटर सेक्शन था, उसमें सबड्यूरल हैमरेज हो गया। हैमरेज का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग, तो सबड्यूरल हैमरेज का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग। तो उसके मोटर सेक्शन में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई, जिससे बहुत सारा खून बहा, जिस वजह से क्या हुआ, खून बहने की वजह से क्या हुआ, उसका जो लेफ्ट साइड थी बॉडी की वो पूरी पैरालाइज हो गई। पैरालाइज आप समझते होंगे, मतलब पूरा वीक हो गई, उसकी जो लेफ्ट साइड थी पूरी वीक हो गई। वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ड्रो मार्सी टू द हॉस्पिटल। हर हस्बैंड कुड नॉट टॉक, ही कुड ओनली ब्रीथ एंड सी, एंड हिज विजन वॉज डबल। मार्सी फोन्ड अ नेबर आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन अ कैनल। चक का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, चक जहाँ पे काम करता था वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, वो मार्सी को हॉस्पिटल तक लेके गया। उसका जो हस्बैंड था, किसका, मार्सी का जो हस्बैंड था, वो बात नहीं कर सकता था, वो सिर्फ सांस ले सकता था, वो सिर्फ देख सकता था, और उसका जो विजन था, उसकी जो आई साइट थी, मतलब विजन था, वो डबल हो गया था, उसको सब डबल डबल नज़र आ रहा था। मार्सी ने एक पड़ोसी को फ़ोन किया, एक नेबर को फ़ोन किया, और उसे कहा कि आप है जो ड्यूक को कैनल में रख दीजिए, ठीक है। हूपर रिमेंड ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ। आफ्टर द फिफ्थ वीक सम मैन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल एंड टोल्ड हूपर टू टेक अ ईयर ऑफ, दे वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम एट हेडक्वार्टर्स। हूपर जो है वो एक महीने तक क्रिटिकल लिस्ट पर रहा, मतलब सीरियस कंडीशन रही हूपर की एक महीने तक। और फिफ्थ वीक के बाद, पाँचवें हफ्ते के बाद, कुछ आदमी कंपनी से आए हॉस्पिटल में और हूपर को कहा कि आप एक साल के लिए छुट्टी ले लीजिए, एक साल आप है जो लीव ले लीजिए। दे वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम हेडक्वार्टर्स। वो हेडक्वार्टर्स में उसके लिए क्या करेंगे, डेस्क जॉब क्रिएट कर देंगे, आप वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में है जो काम कर लेना, आप अभी एक साल के लिए छुट्टी ले लीजिए। अबाउट 6 वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट द हॉस्पिटल पुट हिम इन अ व्हील चेयर। तो एक्सीडेंट के लगभग 6 हफ्ते बाद जो है हॉस्पिटल ने हूपर को ऐसी कंडीशन में मतलब व्हील चेयर तक ले आए, ठीक है। तो थोड़ी प्रोग्रेस हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता था, अब वो जो है वहाँ पे व्हील चेयर पर आ गया है। एवरी डे वॉज समवन वॉकिंग हिज पैरालाइज्ड आर्म एंड लेग फॉलोड बाय बार्स एक्सरसाइज अ व्हील्ड वॉकर, बट चक डिडंट मेक मच हेडवे। हर दिन जो मतलब देखिए पैरालाइज हो गया था, उसकी एक साइड पूरी पैरालाइज थी, जिस वजह से उसका जो काम था वो अपना आप नहीं कर पाता था, जिस वजह से हर दिन कोई ना कोई जो है उसका पैरालाइज आर्म और लेग जो था, मतलब लेफ्ट साइड जो थी, उसका जो काम होता था, मतलब दूसरे लोग जो है उसकी हेल्प करते थे,
उसको बात नहाना नहलाना हो या एक्सरसाइज करानी हो या वॉकर, मतलब देखिए वॉकर भी वो अपना आप नहीं चला पाता था, तो वॉकर भी जो है किसी की हेल्प से कोई ना कोई उसकी हेल्प करता था। बट चक डेंट मेक मच हेडवे, फिर भी चक की प्रोग्रेस नहीं हुई। इस लाइन का क्या मतलब है? चक ने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है चक की यहाँ पे। इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ द होम कमिंग वॉर ऑफ चक हिट अ न्यू लो। एट द हॉस्पिटल देयर हैड बीन अदर इंजर्ड पीपल, बट नाउ ईच मॉर्निंग वेन मार्सी क्वाइटली वेंट टू वर्क, इट वॉज अ गेट स्लैमिंग डाउन, ड्यूक वॉज स्टिल इन द कैनल एंड चक वॉज अलोन विथ हिज थॉट्स। तो मार्च में क्या हुआ फ्रेंड्स? मार्च में जब चक को जब हॉस्पिटल वालों ने चक को घर भेज दिया कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है, तो पहले तो चक को क्या दी? एक्साइटमेंट थी कि अब इतने टाइम बाद जब वो है वापस घर जा रहा है, पर जो उसकी एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई फ्रेंड्स? उसको चक हिट अ न्यू लो, इसका क्या मतलब है फ्रेंड यहाँ पे कि चक को जो है एक नई, मतलब चक वापस सैड हो गया, चक वापस डिप्रेस हो गया। क्यों हुआ? उसका रीजन जो है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए हॉस्पिटल में क्या था फ्रेंड्स, अलग और भी इंजर्ड पीपल थे और भी इंजर्ड पेशेंट्स थे, ठीक है? तो वहां पे क्या थी, उसे कंपनी थी, वो मतलब देख सकता था लोगों को, और भी लोग रहते थे, और भी लोग रहते थे हॉस्पिटल में। पर अब क्या हुआ फ्रेंड, हर हर सुबह मार्सी जो है वो तो चुपचाप काम पे चली जाती है, और जब वो जाती है तो गेट बंद होता है नीचे, और बस वो गेट बंद करने की आवाज़ होती है, और उसके बाद क्या होता है, चक अकेला होता है घर में, और सिर्फ चक अकेला होता है अपने थॉट्स के साथ में, ठीक है? चक जो है, और क्यों? क्योंकि ड्यूक जो है वो भी अभी भी वो अभी तक घर नहीं लौटा है, वो कैनल में ही है, ठीक है? तो मार्सी चली जाती है और ड्यूक भी कैनल में, डेट्स वाई चक क्या है, घर पे अकेला होता है अपने थॉट्स के साथ में। तो इस वजह से चक जो है वो वापस डिप्रेस हो गया, जो लोनलीनेस थी वो चक को सैड कर रही थी, ठीक है? चक इस वजह से उदास हो रहा था। फाइनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक होम, इसलिए क्या उन्होंने डिसाइड किया कि ड्यूक को वापस घर पे ले आते हैं। चक सेड ही वॉन्टेड टू बी स्टैंडिंग वेन ड्यूक केम इन, सो दे स्टूड हिम अप। चक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा रहूँ जब ड्यूक वापस घर अंदर आएगा, तब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको खड़ा रह के उसका वेलकम करूँ। ड्यूक स्नेल वर लॉन्ग फ्रॉम 4 months कन्फाइनमेंट, एंड वैन ही स्पाइट चक ही स्टूड क्विवरिंग लाइक 5,000 वोल्ट्स। देन ही लेट आउट अ बेलो, स्पन हिज लॉन्ग नेल्ड व्हील्स एंड लॉन्च्ड हिमसेल्फ अक्रॉस 3 meters ऑफ एयर। ड्यूक के जो नाखून थे, ठीक है, ड्यूक के जो नाखून थे वो 4 महीनों से ड्यूक जो है वो एक कन्फाइनमेंट में था, मतलब एक ड्यूक जो है रेस्ट्रिक्टेड लिविंग टाइप जी रहा था, तो उसके जो नाखून थे वो काफ़ी लंबे हो गए थे। और जब उसने ड्यूक ने चक को देखा, तो यहाँ पे देखो वर्ड यूज़ किया स्पाइट, स्पाइट का मतलब है यहाँ पे ही ऑब्जर्व ड्यूक, ऑब्जर्व मतलब एकदम उसने ढंग से ऑब्जर्व किया चक को। और जब उसने चक को देखा तो एकदम से जैसे कोई बहुत खुश हो गया, वो ऐसा लगा जैसे मान लो 5,000 वोल्ट का झटका लगा उसको, जैसे होता है अपन, मतलब ये शो करता है कि ड्यूक जो है वो कितना खुश था चक को इतने टाइम बाद देखने पे। देन ही लेट आउट अ बेलो, बेलो का मतलब होता है फ्रेंड्स बाकिंग साउंड। तो फिर क्या, ड्यूक ने बाकिंग साउंड क्रिएट की, स्पन हिज लॉन्ग नेल्ड व्हील्स, और देखिए जो उसके लॉन्ग नेल्स, मतलब लॉन्ग नेल्स थे उसको यहाँ पे व्हील्स कहा गया है। तो फिर वो एकदम से जंप किया उसने एंड लॉन्च हिमसेल्फ अक्रॉस 3 meters ऑफ एयर, और 3 meters ही उसने जंप की, और उसको क्या कंपेयर किया गया यहाँ पे, ही वॉज अ 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय। अपन ने पहले पढ़ा कि उसका वेट कितना था, 23 किलोस, तो यहाँ पे उसे 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय कहा गया। मिसाइल ऑफ जॉय क्यों कहा गया? क्योंकि ड्यूक जो था वो बहुत ही खुश था, इसलिए उसे मिसाइल ऑफ जॉय कहा गया है। हिट हिट ही हिट चक अबव द बेल्ट कॉजिंग हिम टू फाइट टू कीप हिज बैलेंस। और जब उसने जंप मारी ड्यूक ने, और उसने कहा जंप मार के वो चक के बेल्ट के ऊपर की साइड टकराया, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स, चक का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, और चक को थोड़ी सी मुश्किल हुई बैलेंस बनाने में। दोज़ हू सॉ इट सेड दैट द डॉग न्यू इंस्टेंटली। इट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब ये जो सिचुएशन हुई यहाँ पे कि जंप किया ड्यूक ने और चक का बैलेंस बिगड़ गया, इससे जब लोगों ने देखा, जो जिन जिन भी लोगों ने देखा उनको समझ में आ गया कि ड्यूक को एकदम, मतलब डॉग न्यू इंस्टेंटली, इसका मतलब यहाँ पे ये यह है कि ड्यूक को एक बार में ही समझ में आ गई कि उसको वापस ऐसे नहीं करना है, और उसका जो ओनर है, जो चक है, वो क्या है, उसकी जो है कंडीशन अभी पहले जैसी नहीं है, और इस वजह से उसे ऐसे नहीं करना है। मतलब डॉग कितना यहाँ पे, उसकी जो समझदारी है डॉग की वो यहाँ पे शो हो रही है फ्रेंड्स। डॉग को एक बार में समझ में आ गया।
ही नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन. उसके बाद वापस कभी भी वो चक पे उस तरह से जंप नहीं किया. फ्रॉम दैट मोमेंट ही टुक अप अ पोस्ट बिसाइड हिज मास्टर्स बेड अराउंड द क्लॉक. उस मोमेंट से उसने जो है मास्टर्स बेड, चक का जो बेड था, उसके पास में एक पोस्ट, अपनी एक प्लेस फिक्स कर ली और हमेशा वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वो वहीं बैठा रहता था. बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंट डिडंट रीच चक वंस आयरन मसल स्लैक्ड ऑन द रेंजी फ्रेम. पर ड्यूक की प्रेजेंस भी, ड्यूक मतलब प्रेजेंट, ड्यूक की जो प्रेजेंस मतलब जो थी यहाँ पे, कि भाई पहले तो चक अकेला था और अब ड्यूक वापस लौट आया था, पर उसकी ड्यूक की प्रेजेंस से भी चक को इतना फ़ायदा नहीं हुआ. चक उतना भी मतलब अच्छा चक को महसूस नहीं हो पाया. द वंस आयरन मसल स्लैक्ड ऑन द रेंजी फ्रेम. जो पहले एक टाइम जब आयरन मसल्स, जो मतलब यहाँ पे कहा गया है कि चक की जो मसल्स थी, चक अपन ने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में कि चक जो है वो 6 फुट 1 इंच का मतलब हट्टा कट्टा फिट आदमी था, और उसकी जो आयरन मसल्स थी वो अब क्या थी, लूज हो गई थी. एंड रेंजी फ्रेम, उसका जो फ्रेम, रेंजी फ्रेम मतलब है बॉडी ऑफ वाइड एरिया, ठीक है. सीक्रेटली मार्सी क्राइड एज शी वॉच द बिग मैंस ग्रिन फेड अवे. मार्सी जो थी वो छुप के मतलब सीक्रेटली रोती थी जब वो देखती थी कि भाई चक जो है अब वो उदास रहने लग गया है. चक की जो ग्रिन थी, जो स्माइल थी, बिग स्माइल थी, वो अब धीमे धीमे गायब हो रही है. तो ये कंडीशन चक की देख के मार्सी को जो है वो रोना आता था, और वो छुप छुप के सीक्रेटली रोया करती थी. सीवर फेस लाइन्स सेट इन लाइक सीमेंट एज चक स्टेयर्ड एट द सीलिंग फॉर आवर्स. बहुत सारी फेस लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स आ गई उसके फेस पे, जैसे मान लो सीमेंट से बनाई गई लाइन्स हो. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चक जो है, चक स्टेड एट द सीलिंग फॉर आवर्स एंड आउट ऑफ द विंडो देन अ ड्यूक. चक जो था, चक के पास कुछ काम नहीं था. चक लगातार स्टेड मतलब लगातार घूरना, ठीक है, लोग एकदम कीनली लुक करना, कीनली किसी चीज़ को देखना, घूरना. तो चक जो है वो लगातार सीलिंग को, छत को जो है घंटों तक देखता रहता था, फिर विंडो, विंडो से बाहर देखता था, फिर वापस ड्यूक की तरफ देखता था. तो इस वजह से उसकी बहुत सारे उसके फेस पे बहुत सारी लाइंस आ गई. व्हेन टू फेलोज स्टेयर एट ईच अदर डे इन डे आउट एंड वन कैन नॉट मूव एंड द अदर कैन नॉट टॉक, बोर्डम सेट्स इन. ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट. फ्रॉम अ मोशनलेस कॉइल ऑन द फ्लोर ही स्प्रिंग टू हिज फीट क्विवरिंग विद इंपेशेंस. जब दो बंदे एक दूसरे की तरफ लगातार, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं, और एक उनमें से जो है वन कैन नॉट मूव, ये कौन है, चक, एंड द अदर कैन नॉट टॉक, और दूसरा जो है वो बात नहीं कर सकता, ये कौन है, ड्यूक. बोर्डम सेट्स इन मतलब जो है बोरिंग, जो स्टेट ऑफ बोरिंगनेस होती है वो जो है वो आने लगती है, वो दोनों जो है बोर फील करने लगते हैं. ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट. ड्यूक को अब ये सहन नहीं हो रहा था, जो बोर्डम का स्टेट था, जो बोरिंगनेस थी, वो उसको सहन नहीं हो रही थी. फ्रॉम अ मोशनलेस कॉइल ऑन द फ्लोर ही स्प्रिंग टू हिज फीट क्विवरिंग विद इंपेशेंस. मोशनलेस कॉइल का मतलब क्या है, कॉइल, कॉइल मतलब होता है राउंड शेप. तो ड्यूक जो था वो पहले राउंड शेप में बैठा हुआ था, मोशनलेस था, हिल नहीं रहा था, राउंड शेप में बैठा हुआ था. एकदम से वो कॉइल का शेप हटा के जो है एकदम से वो जंप करता है, और क्विवरिंग विद इम्पेशन, एकदम जैसे क्विवर करने लगता है, शेक करने लगता है इम्पेशेंस में. इम्पेशन मतलब मान लो जैसे उसे कुछ एकदम से जो है कुछ हो गया हो, ठीक है, और वो बहुत जैसे एक्साइटेड था, ठीक है. फिर यारफ, लाई डाउन ड्यूक. यारफ वर्ड यहाँ पे मतलब एक्सक्लेमेशन शो करने के लिए यूज़ किया गया है. चक कहता है ड्यूक को, लाई डाउन ड्यूक, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ड्यूक, क्या हो गया तुम, मतलब खड़े क्यों हो इसलिए. ओके, ड्यूक स्टॉक टू द बेड, पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो एंड लिफ्टेड. ही नज्ड एंड नीडल एंड स्नॉटेड. ड्यूक स्टॉक टू द बेड. स्टॉक्ड का मतलब होता है वॉक विथ स्ट्रेट बॉडी. तो ड्यूक जो है वो बेड के पास जाता है एंड पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो. और अपनी जो पॉइंटेड नोज होती है, ड्यूक की जो पॉइंटेड नोज होती है, वो चक के एल्बो के नीचे पोक करता है, चुभाता है, और फिर उस चक का जो एल्बो होता है उसको लिफ्ट करता है, उठाता है. ही नज्ड एंड नीडल एंड स्नॉटेड. नज्ड का मतलब होता है पुश्ड, ठीक है. तो वो जो है चक के एल्बो को पुश करता है, मतलब नीडल करता है, और स्नॉटेड, स्नॉटेड मतलब होती है, स्नॉटेड का मतलब होता है टू क्रिएट इंजन लाइक साउंड, ठीक है. तो वो इंजन लाइक साउंड क्रिएट करता है. और नज्ड एंड नीडल्ड, नज्ड एंड नीडल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो है चक के एल्बो को पुश करता है, नीडल करता है, और उसको उठाने का ट्राई करता है. गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक. चक कहता है कि जाओ ड्यूक, तुम घर का एक चक्कर काट के आ जाओ. पर ड्यूक कुडंट, बट ड्यूक वुडंट. पर ड्यूक जो है वो ऐसा नहीं करता है. ही हैड लाई डाउन विद अ रिप्रोचफुल आई ऑन हूपर. ड्यूक जो है वापस जाके बैठ जाता है
एंड ही हैड अ रिप्रोचफुल आई ऑन ऊपर. रिप्रोचफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म, साइट विथ साइट शोइंग क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसी साइट, ऐसी नज़र जिससे आपकी जो मतलब मान लो जो ड्यूक है वो चक से नाराज हो, क्रिटिसाइज कर रहा हो चक को, ऐसी साइट से वो देखता है चक को. ठीक है, फिर वापस वो जाके बैठ जाता है. एंड आर लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन एंड यैप एंड पोक. वापस एक घंटे बाद वापस बेड के पास आता है एंड अगेन वो रिपीट करता है यैप एंड पोक. अपना वो लिफ्ट करता है एल्बो को. ही वुडंट लीव बट जस्ट सिट देयर. वो जाता नहीं था, चक कहता था कि जाओ चक्कर काट के आ जाओ, कहीं और चले जाओ, घूम लो ऐसे या जाके बैठ जाओ. बट ड्यूक ऐसा नहीं करता था. ही वुड जस्ट सिट देयर. वो सिर्फ वहीं पे बैठा रहता था. वन इवनिंग चक्स गुड हैंड आइडली हुक्ड द लीश ऑन टू ड्यूक्स कॉलर टू होल्ड हिम स्टिल. काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रेंड्स ये. तो एक शाम की बात है फ्रेंड्स कि चक का गुड हैंड कौन सा था, राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट साइड तो पैरालाइज थी. तो चक का जो राइट हैंड था उसकी मदद से चक ने क्या किया, जो ड्यूक की लीश थी उसे ड्यूक की कॉलर से कनेक्ट कर दिया, हुक कर दिया, ताकि जो है ड्यूक जो है वो स्टिल खड़ा रहे. ठीक है, इट वॉज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज. चक का ऐसा करना हुआ और मानो ड्यूक जो है एकदम से, जैसे मान लो ड्यूक जो है बहुत ही खुश हो गया, जैसे बहुत एक्साइटेड हो गया, मान लो कोई फ्यूज लाइट कर दिया हो. ओके, ड्यूक शिमर्ड हिमसेल्फ यू शेप्ड इन एंटिसिपेशन. ड्यूक जो है यू शेप में आ गया और यू शेप में डांस करने लगा. शिमर्ड का मतलब होता है टू डांस. ओके, तो एंटिसिपेशन इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है होप. तो ड्यूक को मानो कोई होप हो कि अब जो है चक मुझे बाहर लेके जाएगा. ठीक है, इवन हूपर कैंट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव. हूपर को भी समझ नहीं आया कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए. ही आस्क्ड मार्सी टू हेल्प हिम टू हिज फीट. उसने मार्सी को बोला कि मेरी हेल्प करो, मुझे खड़ा करने में मेरी हेल्प करो. ड्यूक प्रांस्ड. चक फॉट फॉर बैलेंस. ड्यूक प्रांस्ड. प्रांस्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स मूव जॉयफुली. तो ड्यूक जो है वो मूव करता है और जिस वजह से चक का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. चक फाइट फॉर बैलेंस, चक फॉट फॉर बैलेंस, और चक इम्बैलेंस हो जाता है. विद हिज गुड हैंड ही प्लेस्ड द लीश इन हिज लेफ्ट एंड फोल्डेड द पैरालाइज्ड फिंगर ओवर इट होल्डिंग देम देयर. देन ही लीन्ड फॉरवर्ड विद मार्सी सपोर्टिंग हिम बाय द एल्बो. ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट स्ट्रेटनिंग हिज राइट लेग कॉज्ड द लेफ्ट फुट टू ड्रैग फॉरवर्ड अलोंगसाइड द राइट. इट कुड बी कॉल्ड अ स्टेप. ये जो लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है फ्रेंड्स. एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से चक ने और ड्यूक ने मिलकर है जो स्टेप लिया. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो लीश थी उसको क्या किया चक ने, राइट हैंड की हेल्प से उसे अपने लेफ्ट हैंड में रखा एंड देन ही फोल्डेड दी पैरालाइज्ड फिंगर्स ओवर इट. जो उसकी पैरालाइज्ड फिंगर थी उनको जो है उसके ऊपर रख दिया. किसको, लीश को, लीश के ऊपर पैरालाइज्ड फिंगर्स को रख दिया होल्डिंग देम देयर. ठीक है, देन ही लीन फॉरवर्ड. फिर वो आगे की तरफ झुका. विद मार्सी सपोर्टिंग हिम बाय द एल्बो ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट. फिर मार्सी उसको सपोर्ट कर रही थी चक को, एल्बो सपोर्ट कर रही थी मार्सी. ठीक है, एल्बो से एंड ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट. और फिर उसने अपना राइट लेग जो था उसको आगे की तरफ बढ़ाया. राइट साइड तो उसकी सही थी, लेफ्ट साइड पैरालाइज थी. तो राइट लेग को उसने आगे की तरफ बढ़ाया एंड स्ट्रेटनिंग हिज राइट लेग कॉज द लेफ्ट फुट टू ड्रैग फॉरवर्ड. और फिर उसने अपने राइट लेग को आगे बढ़ा के स्ट्रेट कर दिया राइट लेग को, जिस वजह से क्या हुआ, जो लेफ्ट लेग था वो अपना आप ड्रैग हुआ आगे की तरफ, अपना आप घसीटता हुआ लेफ्ट लेग जो है आगे आ गया और राइट लेग के बराबर आ गया. इट कुड बी कॉल्ड अ स्टेप. और इसे क्या कह सकते हैं अपन, एक स्टेप. ठीक है, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि चक ने लीश को लेफ्ट हैंड में रखा और जो फिंगर्स थी उसको लीश के ऊपर रख दिया ताकि वो लीश को पकड़ सके. ठीक है, एंड देन ही मूव्ड हिज राइट लेग फॉरवर्ड एंड देन ही स्ट्रेटन्ड हिज राइट लेग विच मेड द लेफ्ट लेग टू ऑटोमेटिकली ड्रैग फॉरवर्ड अलोंगसाइड द राइट. एंड दिस मे बी कॉल्ड अ स्टेप. ड्यूक फेल्ट अ सडन स्लैक इन द लीश एंड पुल्ड इट टॉट. अब देखिए फ्रेंड, जब वो आगे की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ, जो लीश थी वो टाइट थी पहले तो. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा था ड्यूक और चक में, जिस वजह से लीश क्या थी, टाइट थी. अब जब चक ने एक स्टेप ले लिया तो वापस वो लीश क्या हो गई, लूज़ हो गई, स्लैक हो गई, लूज़ हो गई, जिस वजह से वो स्लैकनेस ड्यूक को फील हुई. और फिर ड्यूक ने क्या किया, ड्यूक वापस आगे की तरफ बढ़ा एंड पुल्ड इट टॉट. मतलब ड्यूक जिन्हें वापस उसको टाइट कर दिया लीश को आगे की तरफ मूव करके. ठीक है, चक स्वेड फॉरवर्ड अगेन एंड ब्रोक द फॉल विद हिज गुड राइट लेग देन स्ट्रेटन्ड. चक ने वापस वही चीज़ रिपीट की. चक वापस आगे की तरफ बढ़ा एंड
विच इज़ गुड राइट लेग देन स्ट्रेटन, वापस वो राइट लेग अपना आगे बढ़ाता है, वापस राइट लेग को स्ट्रेट करता है, जिस वजह से वापस वो लेफ्ट लेग जो होता है उसका आगे की तरफ ड्रैग हो जाता है, एंड ही टेक ही टुक वन मोर स्टेप, थ्राइस ही डिड दैट देन कोलैप्स इनटू द व्हील चेयर, वापस वो तीन उस टाइम वो तीन स्टेप लेता है, थ्राइस मतलब थ्री, एंड ही टुक थ्री स्टेप्स एंड देन कोलैप्स इनटू द व्हील चेयर एग्जॉस्टेड, फिर वो क्या होता है एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, जिस वजह से वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाता है. Next day, the big dog started early. He charged around to Hooper's good side, jabbed his nose under the elbow and snapped his head up. अगले दिन क्या किया बिग डॉग ड्यूक ने, जो है वो स्टार्टेड अर्ली, वो जल्दी आ गया हूपर के पास में, एंड हूपर की गुड साइड के पास जाके, मतलब राइट साइड के पास जाके, ही जैब्ड हिज नोज अंडर द एल्बो एंड स्नैप्ड हिज हेड अप. अपन ने जैसे पहले देखा उसने सेम चीज़ रिपीट की, अपना जो उसकी नोज थी उसको क्या किया उसने हूपर के एल्बो के नीचे रखा, एंड उसने अपना हेड जो है वो ऊपर किया, स्नैप किया, ऊपर किया, जिस वजह से क्या हुआ जो एल्बो थी वो भी लिफ्ट हुई. द बिग मैन्स गुड आर्म रीच्ड फॉर द लीश, और जो बिग मैन का मतलब चक का जो गुड आर्म था, राइट आर्म था, वो लीश तक पहुंच गया, उसने लीश पकड़ ली. विथ हूपर स्टैंडिंग डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लीश एंड टक्ड स्टेडली, फिर जो है हूपर खड़ा हो गया, चक खड़ा हो गया, एंड डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लीश एंड टक्ड स्टेडली. ठीक है, तो क्या किया चक ने, वो लीश पकड़ ली एंड फिर वो खड़ा हो गया. फिर जब डॉग ने वो स्लैकनेस फील की लीश में, तो डॉग ने उसको, डॉग जो है आगे बढ़ा टक स्टेडली. ठीक है, टक स्टेडली का मतलब है यहाँ पे, स्टेडली का मतलब, टक का मतलब होता है पुल्ड एंड स्टेडली का मतलब होता है फर्मली. तो ड्यूक ने क्या किया उस लीश को पुल किया एकदम, मतलब ज़ोर से पुल किया, तो वो जो टाइटनेस थी वो वापस आ गई लीश में, एंड उसकी मदद से चक ने ऐसे करके चार स्टेप लिए उस दिन, फोर सो कॉल्ड स्टेप्स दे टुक दैट डे. ओके, उस दिन उन्होंने चार स्टेप्स लिए. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. प्लीज वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फुल चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस पार्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.